पूर्व केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री और राज्यसभा सदस्य शिव प्रताप शुक्ल को भाजपा हाईकमान ने नई जिम्मेदारी सौंपी है। उन्हें राज्यसभा में भाजपा के मुख्य सचेतक चीफ व्हिप बनाया गया है। उच्च सदन में पार्टी के लिए व्हिप जारी करने की जिम्मेदारी अब उनके कंधों पर होगी। शिव प्रताप शुक्ल बीजेपी के दिग्गज नेता माने जाते हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक और उसकी विचारधारा के पोषक होने के नाते संगठन में उनकी गहरी पकड़ रही है। शिव प्रताप शुक्ल को पार्टी में नई जिम्मेदारी मिलने से उनके समर्थकों में भारी उत्साह है। मोदी सरकार के पहले कार्यकाल में शिव प्रताप शुक्ल केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री थे। गौरतलब है कि शिव प्रताप शुक्ल के राजनीतिक सफर की शुरुआत 1970 में हुई थी। वह सबसे पहले अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़े थे। 1981 में पहली बार भाजयुमो के क्षेत्रीय मंत्री बने। इमरजेंसी में मीसा के तहत गिरफ्तार हुए, करीब 19 महीने जेल में रहे। 2012 में भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष बने। गोरखपुर से 1989 में कांग्रेस के सुनील शास्त्री को हराकर पहली बार विधानसभा में पहुंचे। 1991, 1993 और 1996 में लगातार गोरखपुर से विधायक चुने गए। 3 बार प्रदेश में कैबिनेट मंत्री बनाए गए। भाजपा संगठन में शिव प्रताप शुक्ल की खासी पकड़ है, इसलिए मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल में भी उन्हें मंत्री पद मिलने की संभावना जताई जा रही थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ तो संगठन में उन्हें महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिलना तय माना जा रहा था। मंगलवार को उन्हें राज्यसभा में भाजपा का मुख्य सचेतक चीफ व्हिप बनाने की जानकारी मिलते ही उनके समर्थन एक दूसरे को बधाई दी है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से दूरभाष पर बात करते हुए राज्यसभा में भाजपा के मुख्य सचेतक चीफ व्हिप पूर्व केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री शिव प्रताप शुक्ल ने कहा, माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के प्रति मैं आभार प्रकट करता हूँ, जिन्होंने मुझे इस उत्तरदायित्व के लिए चयनित किया। मैं एक कार्यकर्ता के नाते निश्चित रूप से उनके विश्वास पर खरा उतरने का प्रयास करूंगा। महत्वपूर्ण दायित्व है, इस नाते हर स्थिति में दल के लोगों को एक साथ बात करके पूरे राज्यसभा में कार्य करूंगा। मैं इधर से फ्लोर मैनेजमेंट के लिए क्या मुख्य सचेतक के रूप में आपकी क्या असर और जिम्मेदारियां रहेंगी इसमें? देखिए, फ्लोर मैनेजमेंट का समय हमेशा नहीं आता है। फ्लोर मैनेजमेंट का समय जब कोई बिल इत्याज रहता है तो उस समय लोगों से पहले भी बातचीत होती है, जो हमारे सहयोगी दल एनडीए के हैं उनसे बातचीत होती है और बातचीत करने के बाद फ्लोर मैनेजमेंट को किया जाता है। तो फ्लोर मैनेजमेंट कोई कहा नहीं जाता है, बल्कि कुछ समय परिस्थितियों के अनुसार किया जाता है।